तो गाइज ये मेरी पहली शादी हो रही है और ये मेरी पहली बीवी है। और मेरी पहली बीवी है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब नहीं, अगर मेरा मेकअप उतर गया ना तो मेरे पति का भ्रम भी उतर जाएगा कि उसे बहुत सुंदर। नहीं नहीं, मैं आपके अंदर की सुंदरता से प्यार करता हूँ जी। 10 लाख रुपए लग गए मेरे। जल्दी जल्दी आया, लेट नहीं होना ना, बी ऑन टाइम। अच्छा, ऑन टाइम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी तरह खूबसूरत है, क्योंकि यार इस वीडियो में मतलब लग रहा है कि दो खूबसूरत है। हाँ, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस सीन ये है, मैं अचानक से चंडीगढ़ में हूँ। और मैं चंडीगढ़ में कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। मेरी हुई है रातों रात तस्करी, और वो क्यों भैया मैं आपको बताता हूँ। नवी भैया का कॉल आया रात में कि भाई चंडीगढ़ आना। मैंने कहा क्यों आना? कह रहे राहुल भाई का गाना शूट हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो आते हैं। फिर मैं रातों रात यहाँ आ गया। बोलो कुछ। क्या बोलूं? पहला गाना है ना आपका? पहला गाना है ना आपका? तो भैया आपको कैसा लग रहा है? मस्त। और मेरे को मतलब यार भैया रातों रात उठा लिया तुमने, ये गलत बात नहीं है? नहीं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है नवी भाई, कुछ कहना? भैया देखो यार, मतलब आपकी हालत अच्छी होनी चाहिए आज। चलो यार, चलो शूट पे। मुझे शूटिंग लोकेशन दिखानी है, भैया की हालत नहीं दिखानी। ठीक है, और भैया अच्छे से बन के आना। ओके ओके। तो भैया हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने सुना है कोई ग्रैंड लोकेशन करके बहुत तगड़ी सी। वो ग्रैंड नहीं, ग्रैंड है। अरे यार वही ग्रैंड, मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा था भैया। गंदी बात है यार, ये गंदी बातें करते हैं यार। ठीक है, अब सुनो गाइस, हम जा रहे हैं ग्रैंड ओरिएंट लोकेशन पे। ठीक है, तो पहली लोकेशन जो पहला सॉन्ग है भाई का, उसकी जो पहली लोकेशन है वो ही ग्रैंड है। ठीक है, मतलब छोटी मोटी बातचीत नहीं है भैया। कैसी बातचीत है? कैडी बातचीत है। गाइस हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे। भैया बोलो कुछ। Hello, यार ये बोलते नहीं है, इनको बताओ यार। भैया इंडस्ट्री में बोलना पड़ता है, कुछ बोलो। मैं नहीं बोलता भाई, वैनिटी वैन लगा रखी है, हम वहाँ पे जाके बैठेंगे अभी। एसी में, मतलब फुल मजे करिए, वैनिटी में बैठेंगे। बड़ो कैडी बातचीत। तो गाइस यार सर स्टार्ट हो चुकी है राहुल भैया की, और कर रहे हैं भैया। भैया आप क्या अकेडमी का नाम? दास पाटन दास स्टूडियो। दास पाटन दास स्टूडियो, ठीक है। अब ये बताओ आपका नाम? अक्षय। अब ये बताओ भैया को कौन सा डांस सिखा रहे हो आप? ये हरियाणा फोक। हरियाणा फोक, हरियाणा फोक। सिखा दोगे? मतलब अब देखो आप परफेक्ट हो गए किसी बात। अब देखो, चलो सिखा दिया मैंने, कभी नहीं किया। अब देखो भैया ने कैसा डांस किया है, भैया ने सिखाया है भैया को। चलो अब देखते हैं, पहले देखते हैं कैसा डांस किया, फिर आप कमेंट करके बताना। क्या सिस्टम है? अच्छा ऑन टाइम, ये सही है। मतलब भैया मेरे को भी वो लोग पसंद है जो ऑन टाइम रहते हैं। आप मेरी तरह हो मतलब भैया? अच्छा ठीक है कंटिन्यू भैया कंटिन्यू। गाइस अभी हुआ है मेरा डांसू सा टचअप, और मैडम ने एक बात की है जिससे मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैडम ने कहा कि मेरी स्किन बहुत अच्छी है। कौन सी स्किन है? क्लियर, आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। जो भी होता है वैसे मेरे को पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है बढ़िया स्किन है। तो गाइस यहाँ चल रही है पंचायत, ये हमारे भैया, ये नवी भैया, ये मन्नू भैया, ये मन्नू भैया के भैया, और ये मन्नू भैया के भैया के भैया, और ये मॉडल साहब, ये दूल्हे साहब, ये मतलब सब लोग हैं भैया। पर मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ भाई, मेरे को ये पूछना है, मतलब मेरे को 8 बजे जगा दिया कॉल टाइमिंग बोल के, 11 बज चुके हैं, एक टेक नहीं हुआ, क्या चल रहा है भाई? ये कट कर दो, ये कट करो। ठीक है भाई, समझ नहीं आ रहा, बार बार आ रही है ये, कह रहे कि कपड़े पहन लो, कोई कह रहा दूल्हे की ड्रेस पहन लो, कोई मुझसे बोल जाता है कि आप दूल्हे की ड्रेस पहन लो। समझ नहीं आ रहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मतलब कौन सी ड्रेस पहने, बाजार जाना पड़ेगा। जो ब्याह में पहनते हैं वो पहन लो भाई। ब्याह में कौन सी पहनते हैं भाई? अगर मेरे को बोलते ना, मैं कहता भाई मुझे दूल्हा बनाओ, पहन तो मैं कुछ भी लूंगा। कहना तो मैं वही कह रहा था। मैं बोला नहीं था बीच में। अच्छा बोल देते मुझे दूल्हा बना। भाई साहब 1 घंटा हो चुका है, कास्टिंग फाइनल नहीं हुई अभी। बढ़िया भैया, आप कौन भैया? अरे मैं वो कौन जो सबको पैसे भेजते हैं। अच्छा ये आप तो दोस्त हो मेरे। तो गाइज अचानक से प्लान थोड़ा चेंज है, आप ब्लॉग भी बनाएंगे और आप दूल्हा भी बनेंगे। वैसे मेरा सपना था दूल्हा बनने का, आज दुल्हन भी अच्छी है हमारी, सालियाँ भी अच्छी है हमारी, माहौल भी अच्छा है, मौका है, दस्तूर है, आज कर देंगे चकदे पट्टे। गाइज अभी मुहूर्त होने वाला है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें इतना पसीना है, इतना पसीना क्या बताऊँ। मोरिया
मंडल मूर्ति मौर्या। गाइज अभी शेरवानी में बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने क्या किया, शेरवानी उतारी, टी शर्ट पहन ली, अब गर्मी नहीं लग रही। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ गलत लगी तो मेरे को लगा आपको बताना चाहिए। देखो ये खुले में क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ मैंने इनको बोला कि भाई ऐसे मत करो तो कह रहे हैं हम मॉडर्न ख्यालात के हैं। फिर मैंने कहा ठीक है भाई हम तो समझा सकते हैं। रो एक बार क्या हो गया, फिर तो जिंदगी बर्बाद हो गई। किसने करी? नवीन है। नवीन है तो गाइज अभी मेरे साथ है दिव्या शर्मा जी। तो शर्मा जी हैं, शर्मा जी, और अभी मैंने पूछा आप क्या करती हैं तो इन्होंने कहा मैं रील्स बनाती हूँ, मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ। और फिर मैंने पूछा आप पढ़ाई लिखाई में क्या कर रही हैं तो इन्होंने कहा मैं पंजाबी ऑनर्स कर रही हूँ। तो मैंने कहा ये क्या होता है, तो इन्होंने बताया कोर्स होता है। फिर ये मेरे ब्लॉग में आ गए डिस्टर्ब करने। ये यार बात जब चल रही हो ना तो बीच में नहीं आ रही। ठीक है फिर, ठीक है फिर आ जाओ भैया, आपके लिए नहीं भैया इसे हटाओ इसे हटाओ। तो दिव्या जी मेरे को बताइए नवी भैया के बारे में कुछ अच्छे दो शब्द। भैया बगल में ही खड़े हैं तो थोड़ा ध्यान से। ये बहुत अच्छे हैं बस इतना, दो शब्द बहुत अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, दो शब्द बहुत है यार। मेरे को भी मतलब प्रमोशन वगैरह दिया करो यार कुछ तो, मतलब भाई दे दूंगा पर आपको ना हमें पैसे देने पड़ेंगे। चलो ठीक है बाद में बात करते हैं। मैं थोड़ा मोटा सा लग रहा हूँ उसकी वजह है मैंने शेरवानी पहन रखी है। और यहाँ दिपेश रखीजा जी, इनकी पहचान ये हमेशा हंसते रहते हैं, देखो अभी भी हंस रहे हैं। और ये तोरा के सॉन्ग पे हम मिले थे लास्ट, तब मैंने भैया से कुछ पूछा था। और मैं भैया से पूछना चाहता हूँ कि भैया मतलब हमारा कुछ होगा, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर का तो हो जाता है, घर बस जाते हैं आर्टिस्ट होकर घर बसेंगे? आर्टिस्टों के तो ज़्यादा बसते हैं यार, आर्टिस्ट के जैसे दुल्हन बनेगी तो तुम्हारा भी बस सकता है, कुछ नहीं पता। वो दूल्हा तो बनेगा, मतलब वैसे कह रहा हूँ जैसे आपका बसता है। मेरा तो बसता ही रहता है, वही तो चाहिए, वही तो चाहिए रोज बसे। इसीलिए मैंने बसने को कंट्रोल करने के चक्कर में लाइन प्रोडक्शन में हाथ मारा है और सारा टाइम बिजी रहता हूँ। अच्छा बहुत पैसा कमाया बाजी ने, फोन ले लिया 1.5 लाख का, पेट भी निकल गया, फोन निकला। भैया थोड़ी चीटें इधर भी मार दो, लाओ चीटा निकल आ गई, चीटा आ गई। चलो ठीक है जी, चलो चलते हैं, अब तो हो गया भैया, पेमेंट भी आ गई, शूट हो गया ना। ये है ये जो मेरी वस्त्र आभूषा है, ये मैंने सोचा था नई है लेकिन नहीं, इन्होंने पहले पहन रखी है, पहनी पहनाई मेरे को दिख रही है, नहीं दिख रही। यही ड्रेस मेरे को, मैं ही हूँ। अगली बार मेरे को नई चाहिए नहीं तो मैं दूल्हा नहीं बनूंगा। इसलिए कहते हैं दूल्हे बदल जाते हैं, कपड़े नहीं बदलते हैं, क्योंकि रेंट में आते हैं यार। आपको व्लॉग लाइक करो, फॉलो करो, लाइक करो, फॉलो करो, चुप रहे, चुप रहे, मुझे मतलब ये तो मुंह दिखा देना। तो गाइज मेरे साथ अभी मंगूबाड़ी भी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बनाती हैं रील्स, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्होंने रील्स ऐसी स्टार्ट नहीं करी, पहले इन्होंने बीसीए तीन कोर्स करे हैं बड़े बड़े, मुझे नाम भी याद नहीं भैया एक बार बताना, बड़े बड़े हैं बस बीएससी एमएससी और बीएड। तो इसके बाद ये रील्स बना रहे हैं तभी इतनी परफेक्ट रील है। तो भैया मैं ये पूछना चाहता हूँ ये पढ़ाई की वजह से परफेक्ट हुई है या किस वजह से हुई है? ये इनबिल्ट जेनेटिक्स। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? वो ही है सेम है, इनबिल्ट जेनेटिक्स वही है सेम। तो गाइज अभी मेरे साथ है मोनिका शर्मा जी हरियाणा से, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी तरह ही खूबसूरत है, क्योंकि यार इस वीडियो में मतलब लग रहा है कि दो खूबसूरत है, हाँ कह सकती हैं, कह सकती हैं। तो गाइज मैं बताना चाहता हूँ आज का जो गाना गाया है वो इन्होंने गाया है, मैम एक दो लाइन सुना दो, मैं सुनना चाहता हूँ लाइव, जैसे मेरे को बहुत अच्छा लगा पर्सनली। मैं गोरा तो नहीं, मैं सांवला हूँ यार, काला क्यों बना देते हो, एक तो दूल्हे को काला बना दिया, काला हूँ मैं। गाइज आप कमेंट करके बताओ मैं काला हूँ या नहीं हूँ, ये मैडम का कहना है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो गाइज ये मेरी पहली शादी हो रही है और ये मेरी पहली बीवी है, मेरी पहली बीवी है, आप देख
नमस्ते, तो आपको कैसा लग रहा है मुझसे शादी करके? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा पहला ही चांस मिला। चलो कोई नहीं, लो जी आपके लिए। अभी नाराज है फिर हम मना लेंगे इनको। चूड़ा पहनी आप? चूड़ा पहनी यार, पूरा हिला। एक चूड़ा ये है, ओ भैया दूसरा आप पहन। कोई नहीं, पर भाई हमारा बिना ना स्मार्ट लगता है यार, ऐसी कैसी बात कर दी। बेइज्जती नहीं कर सकते? नहीं भाई, हमारा बिना ना स्मार्ट लगता है क्या? कोई नहीं आएगा मेरी दुल्हन के पास, पीछे हो जाओ सारे। ले आगे क्या कर लेगा पीछे, बड़ा प्रेम लगाना घर पे। हां प्रेम लगाना घर पे, वो जो डबल बेड के ऊपर लगती है बड़ी फोटो, ले आओ ले आओ टेबल ले आओ। लड़की के मामा जी चूड़ा पहना रहे हैं। मामा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? चूड़ा मामा जी चूड़े की रसम आती हो। नवी भैया से मेरी शिकायत है, मेरी अर्धांगिनी जी को गर्मी लग रही है, यहाँ पे ना पंखे की व्यवस्था है ना कूलर की व्यवस्था है, और मतलब मेरी अर्धांगिनी को दिक्कत हो रही है। और नहीं, अगर मेरा मेकअप उतर गया ना तो मेरे पति का भ्रम भी उतर जाएगा, क्योंकि बहुत सुंदर। नहीं नहीं, मैं आपके अंदर की सुंदरता से प्यार करता हूँ जी, ये ऊपर की सुंदरता से मैं नहीं करता। अंदर की का तुम्हें कैसे पता है? वो पंडित हूँ मैं, अंतर्यामी होते पंडित, ठीक है? तो गाइज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। विनय भैया ने कोई इंतजाम नहीं कर रखा, ना पंखा ना कूलर ना कुछ, और मेरी अर्धांगिनी जी परेशान है। अरे 10 लाख रुपए लग गए मेरे। तू कह रहा है अभी पंखा नहीं हो रहा है, 10 लाख में भी पंखा नहीं हो रहा। दोस्ती भाइयों जा जा, छोड़ छोड़ सबको छोड़, ले लिया भाई नहीं है, पंखा ही लगा रहा है। फूंक मार दे। नहीं इतना भी नहीं। ओह माय गॉड, वाओ। भैया हट कर लेने भाई, क्या कर रहे हो भैया? बिग फैन, बिग फैन। अच्छा वीडियो है ये सब इतने नीचे क्यों बैठे हैं आपकी? आपने इतना दुखी किया शादी के लिए? क्या कर रहे हैं? हमें नहीं पता इनका कुछ, मुझे अपना और इनका पता है, इनके बारे में पूछिए। हाँ उससे पूछिए, ये प्राणी बताएंगे आप। काहे नीचे बैठे हो? क्या नीचे काहे बैठे हो? यहाँ हम वो खेलेंगे संटी संटा। जानते हो संटी संटा क्या होता है? मैं जानता हूँ, ठीक हो गया हम आपकी। तो आज हमने कारो बलम जो सॉन्ग है उसकी शूटिंग कंप्लीट कर ली है, और गए आज हमने बंदर देखा तो इसी बात पर पेका। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और वीडियो पे कमेंट करो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और ये साइड में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, लव यू।